हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको लीनियर अरेंजमेंट कराऊंगा जो आपको काफी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, लाइक बीबीए, आईपी मैट, कैट, जेड मैट, लैक, बैंक, एसएससी, सीडीएस, एफकैट। एंड अभी जो आपको 30 जुलाई को एग्जाम हो रहा है, एलेट, फिर बीलेट, एसलेट, सभी एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फंडास बताऊंगा कैसे इसको आपको अप्रोच करना चाहिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन और देना है गाइस, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं क्लैट कैटेगरी और बीबीए, आईपी मैट और एचएम कैटेगरी में। ओके, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप जाएंगे, मुझे फॉलो करेंगे। और बहुत सारे कोर्सेस क्लासेस मैंने वहां अपलोड किए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। 200 से ज्यादा पजल्स के क्लासेस हैं, परसेंटेजेस, मैथ्स के क्लासेस हैं, है ना, रीजनिंग के क्लासेस हैं। तो अलग अलग टॉपिक पर जैसे क्लॉक, कैलेंडर, सारे क्लासेस आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, अगर आपसे कोड पूछता है, फर्स्ट टाइम आप अनअकैडमी को यूज कर रहे हैं तो आपसे कोड पूछेगा जरूर, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, ANUJ अनुज 10, इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ANUJ10 अनुज है। ठीक है, तो फ्री क्लासेस एक्सेस करने के लिए कोड यूज करना है आपको, अगर पूछता है तो। ठीक है, और फ्री क्विजेस, तो क्विजेस होती है आपकी फुल लेंथ और सेक्शनल, उनके लिए भी आपको ये कोड यूज करना है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो एडिशनल 10% डिस्काउंट लेने के लिए रेफरल बॉक्स में, रेफरल कोड जब वो आपसे पूछेगा तो वहां भी आपको ये कोड यूज करना है, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके फी। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहले पढ़ लेते हैं गाइस इसको एक बार, फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ। देयर आर एट पर्सन ईना, नरेश, ओम प्रकाश, परविता, कुरेशी, रक्तिम, साहिल एंड टीना, ऑल ऑफ देम आर सिटिंग ऑन अ स्ट्रेट रो एंड आर फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। तो गाइस जैसी साउथ डायरेक्शन आया है तो यहां से आपको, एक मिनट लीजिए मुझे, हाँ, जैसे साउथ डायरेक्शन आया है तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए क्या हमारा लेफ्ट रहेगा क्या राइट रहेगा। साउथ डायरेक्शन मतलब दिस इज द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड रहेगा और ये राइट साइड रहेगा। ओके, तो ये लेकर चलना है आपको। फिर आगे आइए, देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन रक्तिम एंड परिणीता। तो रक्तिम और परिणीता के बीच में 2 पर्सन है, तो ये एक केस हुआ था। इस परिणीता यहाँ हो सकता है, रक्तिम यहाँ हो सकता है, दिस इज द सेकंड केस। दोनों केस लेकर चलने पड़ेंगे आपको, लेकर चलने भी चाहिए। अगर एक केस लेकर चलते हैं तो फिर बाद में हमें फंसने का डर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन कुरेशी एंड मीना इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन परविता एंड साहिल। तो अभी हमें कुछ पता ही नहीं है किसके बीच में कितने पर्सन है, तो इसको होल्ड करते हैं, इस पर वापस आएंगे। ठीक है, ओम प्रकाश इज नॉट अ नेबर ऑफ साहिल। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गया। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ लेफ्ट ऑफ नरेश, कौन साहिल इमीडिएट लेफ्ट है नरेश के, मतलब नरेश अगर ये है तो इसके लेफ्ट में साहिल ही है क्योंकि लेफ्ट इस साइड में आएगा। ठीक है, ये अलग इन्फॉर्मेशन लिख लिया हमने। कुरेशी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रक्तिम, तो रक्तिम यहाँ है, इसके सेकंड टू द लेफ्ट 1 2, दिस इज द पोजिशन ऑफ कुरेशी। अगर रक्तिम यहाँ है तो 1 2, दिस इज द पोजिशन ऑफ कुरेशी। ठीक है, हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट कॉर्नर, कौन रक्तिम, रक्तिम राइट कॉर्नर फ्रॉम और टू द में फर्क समझिए। जैसे यहाँ था टू द सेकेंड, यानी कि आपने इसको काउंट नहीं किया था, 1 2 1 2 फ्रॉम है तो मतलब वो पोजीशन भी काउंट होगा, यानी कि 1 2 3 और 4 पोजीशन इसका आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ ये ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब दूसरे केस में परविता राइट कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ठीक है, फिर वो काउंट कीजिए कितने लोग थे, 8 लोग थे, आपको राइट कॉर्नर मिल चुका है दोनों केस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोजीशन ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 पर्सन इस केस में आ जाएंगे क्योंकि राइट कॉर्नर हमारे पास आ चुका है, ये राइट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर। ठीक है, फिर आगे आइए, मीना सिट्स एट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रो, दिस इज द बिल्कुल डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन है, लेफ्ट कॉर्नर पर मीना है, मतलब मीना तो लेफ्ट कॉर्नर पर ही आएगी दोनों केसेस। ठीक है, टीना सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ कुरेशी, अगर कुरेशी ये है इसका इमीडिएटली राइट ये आ रहा है तो टीना यहाँ आएगी, कुरेशी ये है तो इसका इमीडिएट राइट ये आ रहा है तो टीना ये आएगी। ठीक है, फिर आते हैं वापस जो हमने होल्ड करने के लिए छोड़ा था,
the number of persons between Qureshi and Meena is same as the number of persons between Parvita and Sahil. तो कुरैशी और मीना के बीच में कितने लोग हैं? एक ही बंदा है परविता यहाँ पर, तो परविता और साहिल के बीच में भी उतने ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो तीन ऑलरेडी है, है ना, तो एक तो हो नहीं सकता इस केस में, तो मतलब ये डिस्कार्ड हो गया केस। अभी यहाँ पर कुरैशी और मीना के बीच में एक बंदा है, यहाँ परविता है तो साहिल, परविता और साहिल के बीच में एक बंदा होना चाहिए तो साहिल ये आ गया, और इसके राइट साइड में नरेश बैठा हुआ है तो नरेश ये आ गया, बचा ओम प्रकाश, ओम प्रकाश यहाँ आ जाएगा। ओम प्रकाश के लिए कंडीशन थी कि ओम प्रकाश इज नॉट अ नेबर ऑफ साहिल, तो देखो साहिल ये है तो ये इसका नेबर भी नहीं है, दिस इज द परफेक्ट अरेंजमेंट, ये करेक्ट अरेंजमेंट आपको बन गया है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, नहीं हुआ है तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, एक बार खुद से बना के देखिए, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर खुद बनाकर देखिए, पढ़कर इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ नरेश, नरेश के लेफ्ट में कितने पर्सन है? पीछे आइए, नरेश ये बैठा हुआ है तो कितने पर्सन उसके लेफ्ट में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ नरेश, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन द सम वे, तो 4 नहीं ये शुड बी 3 गाइस, क्योंकि चार ही ऑप्शन है उनमें से 3 एक जैसे होंगे, दिस शुड बी 4, ठीक है। दस फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो कौन ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? तो देखो गाइस, हमने देखा था परविता ये राइट कॉर्नर पर था, लेफ्ट कॉर्नर पर मीना है, तो ये सारे बंदे बीच में आ रहे हैं, बाकी कौन कौन? ओम प्रकाश, प्रतिम एंड कुरैशी, यानी कि परविता इज डिफरेंट, दिस इज द कॉर्नर पर्सन, ओके, ये साइड में बैठी हुई है, राइट साइड में। हू अमंग द फॉलोइंग इमीडिएट नेबर ऑफ कुरैशी, तो कुरैशी के इमीडिएट नेबर टीना और ओम प्रकाश दोनों है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ए बोथ ए एंड बी। फिर हु अमंग फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड और उसके सेकंड टू द लेफ्ट, है ना, तो चलिए आइए पीछे आते हैं, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड देखो, पहले राइट हैंड ये है 1, 2, 3, थर्ड ये है, इसके सेकंड टू द लेफ्ट, ये फ्रॉम था तो आपने यहां से काउंट किया, टू का पूछ रहा था यहां से 1, 2, कौन है? थ्री है, सेकंड टू द लेफ्ट इसके तीन आ रहा है, तो तीन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। फिर हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रक्तिम, तो रक्तिम के थर्ड लेफ्ट टू द, यहाँ पर टू द आएगा, फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम तो हमने काउंट किया था उसको भी, है ना, तो रक्तिम के थर्ड टू द, 1, 2, 3 कौन है? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश इज द राइट आंसर, आई होप आपको ये समझ आ रहा है, देखिए कितना इजीली हमने इसको हैंडल कर लिया, सॉल्व कर लिया। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि केसेस बनाकर चलिए गाइस, जो केसेस नहीं बन रहे उनको डिस्कार्ड हो जाएंगे किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, और एक ही केस आपका बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, और अनस्टैंड कोड यूज कीजिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।